और आज हमको तो लगता है भीड़ में जो फंसे उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि हमारी बड़ी संख्या यहाँ पर आई है जो महाकुंभ में अभी वहाँ काकुंभ में फिर से महाकुंभ में जाने वाले हैं। तो दो विषय जो मोटा मोटा है, खास करके एमपी की स्थिति तो अन्य राज्यों की अपेक्षा और खराब है, कम चल रही है। कारण क्या है, 1998 से जो लोगों को नियुक्त किया गया अस्थायी होने को टाइम लगा और पेंशन अगर बहाल भी हो जाती है और आज की डेट से करते हैं तो एमपी के कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा। तो हमारा यहाँ एक और उसके साथ जुड़ा हुआ है कि 1998 की नियुक्ति तिथि उसको पेंशन को और उसका जो सेवा का लाभ है उसको देते हुए पुरानी पेंशन बहाल करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ क्योंकि हिमाचल में जयराम ठाकुर से हम लोगों ने बार बार कहा और उन्होंने बात को मेरा माना भी, केंद्रीय नेतृत्व ने रोक दिया। ऐसा ना हो कि जयराम ठाकुर गुजरात चौहान साहब जी भी उसी गलतफहमी में रहे। 6.5 तक बहुत बड़ी संख्या होती है और हम सब एक बार उठा रोपिए चला रहे लगातार। हमारी बात यह है कि हम वोट उसी को करेंगे जो हमारी बात सुनेगा। अब हमने पार्टी और नेता नहीं बताया, जो बात करें उसके साथ जाएंगे और हिमाचल हमने करके दिखाया। हिमाचल में आप सबको भी क्योंकि पत्रकार बंधु आप सबको अच्छी तरीके पता होगा, वहां का जो स्वीप किया पूरा कन्वर्ट किया वो कर्मचारियों का वोट। हम यहाँ सब 6.5 लाख कहते हैं तो सोचते हैं कि हमारे पास तो इतनी बड़ी आबादी 6.5 लाख क्या होगा। हम 6.5 लाख कर्मचारी 5 अगर का परिवार जोड़ दे, 5 अगर परिवार जोड़ दे तो हम करोड़ों पहुंच जाएंगे। और जहां तक मेरी अपनी समझ है पिछले 8-9 सालों में पूरे देश में आने जाने का मौका मिला बात करने का, अगर 6.5 लाख लोग हैं, अगर एक एक अध्यापक हमारा प्राइमरी का अध्यापक अगर 5 को भी 50 को भी मल्टीप्लाई करता है, समझाता है बताता है क्योंकि उसकी बात को लोग समझते हैं, अगर 50 को भी कन्वर्ट किया तो कई पूरी सत्ता को बदलने की चाबी है। और इसीलिए मैं बड़े निवेदन कर सकता हूँ चौहान साहब, आपकी जो कुर्सी है वो इस बात फंसी है जनता की तरफ से भी और दिल्ली के दरबार से। ये बात मतलब ये हो सकता है बोल रहा तो लोगों को लगे कि ऐसे ही बोल दिया, मेरी जो सूचना है तो अगर आप पुरानी पेंशन बहाल करते हैं हमारा 6.5 लाख शिक्षक कर्मचारी उनका परिवार हमको पेंशन चाहिए। और पेंशन में ये नहीं मांग रहा खैरात, हमारा संवैधानिक राइट है, सुप्रीम कोर्ट के लाइन में लिखा होगा कि पेंशन कर्मचारियों का पेंडिंग वेतन वेतन का कटा हुआ भाग है। ये बात मैं नहीं बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, डीके कालरा के वाद में मामला गया तो वहां सुप्रीम कोर्ट का ये बख्शीश नहीं है, कोई भीख नहीं है, ये उनका हक है। और अब जब